हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल सीएससी मास्टर। आज वेब टेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं सीएसएस फॉर बॉर्डर्स। बॉर्डर पे स्टाइल अप्लाई करने के लिए कुछ सीएसएस सिंटैक्स को यूज करना होता है। हम जो सीएसएस सिंटैक्स पढ़ चुके हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे और प्रॉपर्टी को वैल्यू प्रोवाइड करके देखेंगे कि कैसे सीएसएस के बॉर्डर को अपने अनुसार डिजाइन किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, बॉर्डर प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल, जो कि यूज किया जाता है फॉर स्टाइलिंग बॉर्डर। ठीक है, किस टाइप का बॉर्डर आपको अपने टेबल में, अपने फॉन्ट पे अप्लाई करना है, आपके इमेज पे अप्लाई करना है, वो हम लोग फॉन्ट बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी से डिसाइड करेंगे और बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करके देखेंगे कि कैसा बॉर्डर वेब पेज पर विजिबल होता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट और भी कुछ बॉर्डर्स हैं, इन सब वैल्यू को हम यूज करेंगे और देखेंगे कि वेब पेज पर किस तरह का बॉर्डर ड्रॉ होकर के आ रहा है। और देखिए, आउटसेट, नन, हिडन, ये सारे बॉर्डर के वैल्यूज हैं जो कि हम लोग बॉर्डर क्रिएट करते समय सीएसएस में यूज करेंगे। तो सबका काम क्या है, ये सारे जो बॉर्डर स्टाइल के वैल्यू हैं, इन सारे वैल्यू का काम क्या है। तो डॉटेड वैल्यू अगर आप अप्लाई करते हो तो डॉटेड बॉर्डर, जैसे कि कुछ इस तरह का बॉर्डर आपको दिखेगा, डॉटेड कुछ इस तरह का बॉर्डर आएगा। ठीक है, डैश अगर आप करोगे तो डैश बॉर्डर आएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, तो डैश वैल्यू यूज करने पर इस तरह का बॉर्डर देखने को मिलता है। सॉलिड बॉर्डर यूज करोगे तो एक सॉलिड लाइन आपके टेक्स्ट या जो भी टेबल में आपने रो कॉलम यूज किया है उसमें दिखेगा। डबल जब आप यूज करोगे, डबल वैल्यू, तो डबल लाइन का बॉर्डर क्रिएट होकर के आपके वेब पेज पर दिखेगा। ठीक है, तो सभी वैल्यू का अपना अपना काम है। ग्रुप अगर वैल्यू आप यूज करते हो तो ये 3D बॉर्डर क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब 3D बॉर्डर आपको क्रिएट करना होगा तो ग्रुप वैल्यू यूज करोगे। अभी हम सभी बॉर्डर को, बॉर्डर के वैल्यू को अपने CSS फाइल में यूज करेंगे और देखेंगे सबका इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए अपने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं और काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। जनरली हम लोग बॉर्डर का इफेक्ट जो है टेबल पे ही देखेंगे, इसलिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और सभी बॉर्डर को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने HTML लिखा है, HTML के बाद हेड लिखा है, हेड को क्लोज करना है, हेड को हम क्लोज कर देंगे और हेड में लिखना है, एक कैपिटल हो गया, कैपिटल में भी आप लिख सकते हो लेकिन स्मॉल में लिखना ज़्यादा बेटर होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें एक स्टाइल एलिमेंट को ऐड कर देंगे क्योंकि CSS हम जो यूज करेंगे वो इंटरनल CSS करेंगे, एक्सटर्नल CSS यूज नहीं करेंगे, हालांकि वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टाइल एलिमेंट को ब्लैंक छोड़ देते हैं। पहले हम अपने HTML में बॉडी के अंदर एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, बॉडी में टेबल क्रिएट करने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले एक टेबल टैग को लिखना पड़ता है और टेबल टैग में रो के लिए TR टैग यूज किया जाएगा, कॉलम के लिए TD टैग यूज किया जाएगा और अगर हेडिंग डालना है आपके टेबल पे तो TH टैग को आप यूज करोगे। ठीक है, तो इसमें दो रो मैं क्रिएट करूँगा और दो या तीन कॉलम क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया है जिसमें कि तीन रो है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। ठीक है, तीन रो है और तीन कॉलम है इसमें। ठीक है, यहाँ पे तीन कॉलम है, एक कॉलम ये। ठीक है, ऐसे तीनों रो में तीन तीन कॉलम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसा टेबल क्रिएट हुआ है। ओके, तो इसको हमने सेव किया है home.html से और home.html को हम रन करके देखते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। ठीक है,
आप देख सकते हैं टेबल क्रिएट हो चुका है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, इसमें तीन रो है, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, और इसमें तीन कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। मतलब कि अगर इसमें हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह का टेबल ड्रॉ होकर के आपके सामने दिखता है, ठीक है। दिस इज लाइक दिस, ओके, कुछ इस तरह का टेबल ड्रॉ होकर के आता है। चूंकि हमने एक सिंपल टेबल क्रिएट किया है, कोई भी यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पर आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है, ठीक। और इसी पर हमें बॉर्डर का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ओके। जो HTML टेबल है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने क्लास नहीं किया है तो हमारे वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ से हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, टेबल का लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें, अगर आपने टेबल नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने टेबल पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं बॉर्डर के अलग अलग वैल्यू को अप्लाई करके और हमारे टेबल के चारों तरफ किस तरह का बॉर्डर, कौन से स्टाइल का बॉर्डर क्रिएट होकर के आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना नोटपैड ओपन किया और स्टाइल में हम एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करेंगे और यहाँ पर एलिमेंट होगा टेबल। टेबल में सबसे पहले बॉर्डर हम ऐड करेंगे। बॉर्डर ऐड करने के लिए हमें बॉर्डर लिखना होता है, कॉलन, और बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है इसका वैल्यू लिखना है। तो 1 पिक्सल का हम बॉर्डर डालना चाहते हैं और वो बॉर्डर अभी बेसिक सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। अब हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। तो हमने टेबल में बॉर्डर ऐड करने के लिए CSS सिंटेक्स को लिख दिया है। अब हम इसको रन कराते हैं, इसको कंट्रोल से भी हमने सेव कर दिया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारे टेबल के चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट हो गया है या नहीं। तो देखिए हमारे टेबल के चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे केवल टेबल के चारों तरफ ही बॉर्डर क्रिएट हुआ है, कॉलम और रो पर बॉर्डर क्रिएट नहीं हुआ है। तो टेबल और रो, हमने तो केवल टेबल को सिलेक्ट किया था इसलिए टेबल के चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट हुए हैं। अब हम यहाँ पर जो टेबल रो है, टेबल कॉलम है, उस पर भी बॉर्डर अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सेलेक्ट CSS के सेलेक्टर टॉपिक को आप देख सकते हैं, उसका वीडियो लेक्चर हमने डाल दिया है। टेबल यहाँ पर TR को हम सिलेक्ट करते हैं, TH को सिलेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल S से सेव कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारे रो और कॉलम में, हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो TH है उसके चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। लेकिन सेकेंड और थर्ड रो में ये काम नहीं हो पाया है, ओके। तो हमने ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने TD टेबल डेटा को नहीं सिलेक्ट किया था। टेबल डेटा को अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो टेबल डेटा पर भी वो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसको हमने कंट्रोल S से सेव कर दिया TD डाल करके, और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा जो भी टेबल डेटा है, मतलब कॉलम है, वो सारे में बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस है, हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं, कोलैप्स भी करा सकते हैं, उसका भी अलग CSS प्रॉपर्टी है जो कि मैं CSS टेबल में बताऊंगा। अभी हम CSS बॉर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई किया सॉलिड, बॉर्डर का टाइप कैसा है, सॉलिड है, इसलिए हमने ये जो आपके सामने बॉर्डर क्रिएट होकर के आ रहा है, यहाँ सॉलिड लाइन 1 पिक्सल का आ रहा है। इसका जो थिकनेस है वो हम बढ़ा सकते हैं, अगर हम 5px कर देंगे तो ये 5 पिक्सल का बॉर्डर ड्रॉ होकर के आएगा। इसको हमने रिफ्रेश किया, देखिए कितना मोटा बॉर्डर है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको 1 पिक्सल ही रखते हैं और कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, ओके। तो बॉर्डर का थिकनेस भी हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बॉर्डर को हम डैश्ड बॉर्डर को यूज करते हैं। कंट्रोल C से हमने कॉपी कर लिया है डैश्ड को, और यहाँ पे सॉलिड की जगह पे कंट्रोल V से डैश्ड को पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब देखेंगे, इसको हमने कंट्रोल S से सेव कर दिया और जो हमारा वेब पेज बना था उसको लोड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टेबल बॉर्डर है ये पूरी तरह से डैश लाइन से बना हुआ है, ओके। तो डैश्ड बॉर्डर को आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक ऐसे ही हम सॉलिड बॉर्डर को यूज कर चुके हैं, डॉटेड बॉर्डर को अब यूज करते हैं। डॉटेड बॉर्डर का इफेक्ट देखते हैं, ओके, DO, इसको कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया और देखते हैं कैसा बॉर्डर क्रिएट हुआ है। तो देखिए आप डॉटेड लाइन से बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब जो है हम डबल और ग्रुप
बॉर्डर को यूज करते हैं। ओके, डबल हमने लिख दिया, उसके बाद कंट्रोल ऐसे हमने सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए डबल लाइन का बॉर्डर आ चुका है। यहाँ पर वन पिक्सल ही हमने लिया है, लेकिन ये अगर हम 5 पिक्सल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर कैसा बॉर्डर क्रिएट होगा। 5 पिक्सल जब हमने लिया तो आपको क्लियरली डबल लाइन का बॉर्डर दिख रहा है, 1 पिक्सल में नहीं दिख रहा था क्योंकि 1 पिक्सल में डबल लाइन जब बन रहा था तो वहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे से सट जा रहे थे, चिपक जा रहे थे, तो वो थोड़ा सा मोटा दिख रहा था, ठीक 2 पिक्सल दिख रहा था। हमने 5 पिक्सल लिया तो दोनों लाइन अलग हो गया। ओके, तो इसको 1 पिक्सल ही रहने देते हैं। डबल के बाद हम ग्रुप बॉर्डर को देखते हैं और इसको कंट्रोल से सेव कर देते हैं और ग्रुप में किस तरह का बॉर्डर क्रिएट होकर के आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन दे रहा है बॉर्डर का। ओके, और ये और बेहतर तरीके से दिखेगा अगर हम बॉर्डर का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा लेंगे। 3 पिक्सल हमने लिया, कंट्रोल से सेव कर दिया और आप देखिए यहाँ पे आपको और बेहतर तरीके से दिख रहा होगा कि 3D बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो जो बाकी रिमेनिंग बॉर्डर के वैल्यू हैं इसको आप ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि ये सारे वैल्यू काम करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और पॉइंट है जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं इसका 4 वैल्यू हो सकता है, टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो बॉर्डर कहाँ पे अलाइन करना है उसके लिए। ओके, अब चलिए हम लोग हमने एक HTML कोडिंग करके रखा है उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर और बेहतर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक साथ कितना तरीकों से यूज किया जा सकता है और कितना बेहतर ये देखने में लगता है। ओके, इसको हमने कंट्रोल एस से सेव कर दिया। यहाँ हमने कुछ किया नहीं है, कुछ पैराग्राफ को और हेडिंग को अपने बॉडी सेक्शन में डाला है, एक सब हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और उसके बाद जो भी अलग अलग टाइप के बॉर्डर के वैल्यू है उसको हमने यूज किया है। सभी पैराग्राफ में क्लास हमने बनाया और क्लास का नाम बॉर्डर के वैल्यू के नाम पर ही रख दिया है। ठीक है, और सभी यहाँ पर क्लास सेलेक्टर का यूज करके हमने सभी का स्टाइलिंग किया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर क्लास सेलेक्टर को यूज किया गया। ठीक है, कौन सा क्लास, तो डॉटेड क्लास, किसका, तो पी का। ओके, यहाँ आप देख लीजिए पी का क्लास है डॉटेड, इसको हमने कंट्रोल से सेव कर दिया है। अब अपने पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। तो देखिए डॉटेड बॉर्डर कुछ इस तरह का होता है, डैश बॉर्डर इस तरह का होता है, सॉलिड बॉर्डर इस तरह का होता है, डबल लाइन बॉर्डर इस तरह का होता है और एंड सो ऑन। ओके, तो ये था CSS बॉर्डर, इसको कैसे यूज करना है आप सीख चुके हैं, आप भी अपने नोट पैड में ट्राई करें और बेहतर तरीके से इसको जाने। हालांकि ये काफ़ी है बॉर्डर को बेस्ट तरीके से समझने के लिए। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।